हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निशुल जी। हाउ आर यू बोथ? प्रिटी वेल मैम। फाइन मैम। वेरी नाइस। सो हैव यू डन योर टास्क? मैम, मैंने लास्ट की दो क्लास नहीं ज्वाइन किया था, इसलिए मुझे पता नहीं है। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू निशुल जी? मैम, टास्क तो ऐसा कुछ था ही नहीं, आपने तो मैम ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं था। अच्छा, व्हाट आई टॉट इन द लास्ट क्लास? मैम, यू टॉट द लास्ट क्लास मॉडल्स मॉडल्स शैल एंड शुड। तो सेंटेंसेस बनाने थे ना शैलो शूट पर, वो तो मैम बना लिए थे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, वो जो पिक्चर था उस पे सेंटेंसेस बनाए? यू आर ऑन म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, हाँ मैम बना लिए थे उस पे। बना ली, वेरी नाइस। रुद्रांश एंड तारा जी, This is your first class? Yeah, mom. Okay. So, how are you, Rudransh? Fine, mom. How are you? I'm also fine. Mom, my brothers are also coming. Please come again, Rudransh. Yes, mom. शुड में मैंने आपको बताया था कि शुड का मेन यूज होता है जब भी चाहिए हम कोई चीज बोलते हैं या हम किसी को एडवाइस देते हैं। ठीक है, सपोज हम किसी डॉक्टर को एडवाइस देते हैं या किसी टीचर को, जैसे हम बोलें कि डॉक्टर होने के नाते आपको पेशेंट से सही से बात करनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम बोलें एडवोकेट होने के नाते आपको सच का साथ देना चाहिए। जब भी हम किसी को पर्टिकुलर किसी चीज पे एडवाइस देते हैं तो हम कैसे बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे जो भी हमने एडवाइस देनी है। यू शुड नॉट डू पार्शियलिटी, आपको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। पार्शियलिटी यानी होता है किसी चीज का मतलब हर सबको इक्वली समझना, बायस्ड नहीं होना। यू शुड नॉट, देखो शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शुडेंट, है ना। यू शुड नॉट डू पार्शियलिटी। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, बीइंग अ डॉक्टर, जैसे मैंने इनको बोला जब भी हम किसी के काम के लिए हम इस तरह से बोलेंगे कि बीइंग अ डॉक्टर यू शुड नॉट डू दिस, बीइंग अ एडवोकेट यू शुड नॉट डू दिस, तो बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग हम तब लगाते हैं कि भाई डॉक्टर होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बीइंग अ टीचर यानी टीचर होने के नाते यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, कि आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। फाइन, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब भी एडवाइस देते हैं तो बोलते हैं ना एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, या मानो किसी टीचर को बोल रहे हैं कि टीचर होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए, एडवोकेट होने के नाते आपको ऐसा चाहिए, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बीइंग अ डॉक्टर, उसके बाद यू शुड से हम उनको एडवाइस देंगे। अगर हमें उन्हें कुछ नेगेटिव में बोलना है कि आपको पार्शियल नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट डू पार्शियलिटी या यू शुड नॉट बी पार्शियल। ठीक है, इस तरह से हम इस पे सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले निशुल जी, टर्न ऑन द कैमरा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए।